हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग के क्लास का आखिरी क्लासिफिकेशन, और आज का जो ये वीडियो होगा वो हमारा लास्ट पार्ट होगा इस टॉपिक के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। आज का हमारा टॉपिक है निकोटिनिक एसिड, जिसके अंदर के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारे नियासिन। तो सबसे पहले हम एक लाइन में ये भी जान लेते हैं आज आखिरी वीडियो में कि व्हाट आर एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग। सो फ्रेंड, एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग ऐसे ड्रग हैं जो आपके सीरम में बढ़े हुए टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, लोड लिपोप्रोटीन, इनके लेवल को मिनिमाइज करके ऑप्टिमम लेवल तक आते हैं। इनके जो काम करने का तरीका है वो आपने देखा कि या तो ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, इनके लेवल को ये कम करते हैं, साथ ही साथ ये जो हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छे या गुड कोलेस्ट्रॉल हैं यानी कि एचडीएल हैं, इनके लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं। तो जो हमारा आज का क्लासिफिकेशन है ये इन्हीं दो तरीकों को, दोनों को फॉलो करके अपना एक्शन शो करता है, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेंगे और गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को इंक्रीज करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रेस्पेक्टिव डायग्राम के साथ साथ, साथ ही साथ उनके डायग्राम को एक्सप्लेन करता हुआ पॉइंट टू पॉइंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि जो लेंथी पैराग्राफ के फॉर्म में आपका मैकेनिज्म है उनको इंपॉर्टेंट पॉइंट के अकॉर्डिंगली सीक्वेंस जमा दिया जाए, ताकि आपको इसका मैकेनिज्म समझने और समझाने में बहुत आसानी हो विद द रेस्पेक्टिव डायग्राम। अगर आप बात करते हैं रेफरेंस की, तो आज का जो डायग्राम आपने देख लिया हुआ है, इसे हमने लिया हुआ है लिपिन कॉर्ड से, जबकि उसी डायग्राम का एक्सप्लेनेशन लिपिन कॉर्ड प्लस कॉन्सेप्चुअल फार्माकोलॉजी बाय पी जगदीश प्रसाद की बुक को मिलाकर के लिया हुआ है। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है वो है कि जो निकोटिनिक एसिड है ये वाटर सोल्युबल विटामिंस हैं। यहां पे याद रखिएगा, निकोटिनिक एसिड आर वाटर सोल्युबल विटामिंस, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होंगे आपके क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम उसके अगर मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले आप उसके रेस्पेक्टिव डायग्राम की ओर देखें। हर एक डायग्राम का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अल्टीमेटली हमको ये बता रहा होगा कि असल में क्या होता है और हमारे जो ये निकोटिनिक एसिड है यानी कि एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग है वो काम कहां पे करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इनके फॉर्मेशन की, आपके कोलेस्ट्रॉल के फॉर्मेशन की, उनके यूटिलाइजेशन की, तो सबसे पहले हमारे एडिपोज टिश्यू में जो आपके ट्राइग्लिसराइड एक्युमुलेट हुए हैं, ये अगर आप देखें हैं कि कैसे जमता है, तो आपको हमारा पहला पार्ट में से पहला और दूसरा दोनों पार्ट देखने होंगे। सो एडिपोज टिश्यू से ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल आगे जाके कन्वर्ट होता है फैटी एसिड में, जो कि सिंथेसिस करने के लिए इंपॉर्टेंट है। ये फैटी एसिड फिर आगे जाकर के मूव करता है, रिलीज होता है हमारे लीवर में, और यही फैटी एसिड जो कि आपके एडिपोज टिश्यू में बना हुआ है, यही फैटी एसिड आपके लीवर में पहुंचता है और ये लीवर में आगे जाके ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बनाते हैं। ये ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल फिर आगे कन्वर्ट होते हैं VLDL में, और आपको मालूम है VLDL आगे जाकर कन्वर्ट होते हैं आपके LDL में। सो ये VLDL जो लीवर था वो सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचेंगे, वहां से VLDL अल्टीमेटली आपके LDL के फॉर्मेशन करेंगे। तो इस तरह से हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल में LDL का लेवल बढ़ता जाता है। लेकिन अगर हम इस तरह के ड्रग यानी कि निकोटिनिक एसिड या नियासिन को यूज करते हैं, तो ये जो नियासिन है आप देख सकते हैं एडिपोज टिश्यू में कन्वर्जन ऑफ ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को फैटी एसिड में इनहिबिट करता है। सो ये अगर नियासिन इस स्टेप को इनहिबिट करते हैं, तो आगे जाकर के इनके फैटी एसिड के बनने के प्रोसेस को आप इनहिबिट कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, और जब ये फैटी एसिड कम बन रहा होगा तो ये फैटी एसिड आगे जाकर के प्रोसेस होने के लिए लीवर तक पहुंचेगा, लेकिन उसका जो अमाउंट होगा वो एज कंपेयर टू प्रीवियस वन पहले के कंडीशन की तुलना में यहां भी कम होगा। और जब ये फैटी एसिड ही कम होगा, तो फिर आगे जाकर के इनका जो फर्दर कन्वर्जन है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल में वो कम होगा, एलडीएल में कम होगा, और एलडीएल कम होगा तो VLDL कम होगा तो LDL कम होगा, और इस तरह से आपके ब्लड में जो LDL यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल था, इनका लेवल भी अपने आप धीरे धीरे कंट्रोल में आते जाएंगे। तो ये पूरे मैकेनिज्म का जो एकदम सिंपल सा मैकेनिज्म है, वन टू वन के फॉर्म में है। यहां पे हमारा नियासिन इसी ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को आपके फैटी एसिड में कन्वर्टन होने को लिमिट करता है, इनहिबिट करता है। तो ये हो गया एकदम सिंपल सा रफ डायग्राम। आज का वीडियो भी बहुत छोटा सा ही होगा, तो इसी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है डायग्राम की सहायता से अब हम इसको देखने वाले हैं पॉइंट टू पॉइंट, फिर दोनों को टैली करेंगे कि ये जो पॉइंट है वो यहां पे कहां पे मैच करता है और किस तरीके से इनका जो सीक्वेंस है वो यहां पे फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, दे डिक्रीज प्लाज्मा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल। जो हमारे निकोटिनिक एसिड हैं ये क्या करते हैं, ये डिक्रीज करते हैं प्लाज्मा एलडीएल को और ट्राइग्लिसराइड लेवल को। अल्टीमेटली देखिए ये जो एलडीएल का लेवल है आपके लीवर से आंख तक पहुंच रहा है, इनके लेवल को ये कम कर रहे हैं। अब हम देखने वाले हैं अगला स्टेप, तो ये कहता है इंक्रीज
इज एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन। ये जो पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट हैं, ये इनके काम करने के तरीके को मेन प्रॉब्लम, जो मेन फंक्शन है इनके, इन्हीं को डिनोट करते हैं। ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल, इनको कम कर रहे हैं, साथ ही साथ जो हमारे बॉडी के लिए अच्छे या गुड कोलेस्ट्रॉल माने गए हैं यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इनके लेवल को इंक्रीज करते हैं। तो एक को जो कि बैड है इसको डिक्रीज करेंगे, एक जो कि बहुत अच्छा है हमारी बॉडी के लिए इनको इंक्रीज करके अपना मैकेनिज्म को पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करते हैं। अगला जो पॉइंट है, एडिपोज टिश्यू के अंदर इनका क्या फंक्शन रहा होगा। सो इन एडिपोज टिश्यू दे रिड्यूस द लिपोलाइसिस ऑफ ट्राइएसाइलग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड। ये एडिपोज टिश्यू देखिए, ये है एडिपोज टिश्यू, यहां पे इनके लिपोलाइसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड को ये कम कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं। लिपोलाइसिस कहने का मतलब है लिपिड प्लस लाइसिस। सो ये एडिपोज टिश्यू में इन्हीं लिपिड के लाइसिस को इनहिबिट कर रहे हैं ताकि आगे जाकर के इनका जो फैटी एसिड में कन्वर्जन है वो इनहिबिट हो सके। और उसकी वजह से क्या होगा, अगर रिड्यूस हार्मोन सिक्रेटिव एंजाइम को भी कम करते हैं यानी कि ऐसे एंजाइम जो कि सेंसिटिव होते हैं लाइपेज एंजाइम के लिए, इनको भी ये रिड्यूस करते हैं ताकि उसके जो लाइसिस के प्रोसेस हैं इनको भी मॉड्यूलेट कर सकें, इनको भी फंक्शनलाइज में एक्टिवेट कंडीशन में लेकर के आ सकें। यहाँ पे आप दो ही स्टेप देख रहे हैं जो कि आपके एडिपोज टिश्यू में हो रहे हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला जो स्टेप है वो क्या कहता है, दे डिक्रीज द ट्रांसफर एक्टिविटी ऑफ फैटी एसिड टू लिवर। यहां पे देखिए, ये जो फैटी एसिड बना हुआ है आपके एडिपोज टिश्यू में, ये अब आके पहुंच रहा है, ट्रांसफर हो रहा है आपके लिवर में। तो अल्टीमेटली अगर ये यहां पे इनहिबिट करेंगे तो इस स्टेप को भी ये इनहिबिट कर सकते हैं, यानी कि ट्रांसफर ऑफ दैट पर्टिकुलर फैटी एसिड विच इज बींग सिंथेसाइज इन एडिपोज टिश्यू, दे रिड्यूस द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फैटी एसिड फ्रॉम एडिपोज टिश्यू टू द लिवर साइट। तो ये इसको भी इनहिबिट करते हैं। और इसके वजह से क्या होगा, अगर लीवर में फैटी एसिड की अवेलेबिलिटी कम होगी तो फर्दर ट्राइएसाइलग्लिसरॉल से फर्दर वीएलडीएल और वीएलडीएल के आगे जाकर कन्वर्जन इनटू एलडीएल, ये भी स्टेप कम होते जाएंगे, इनहिबिट होते जाएंगे। अगला जो स्टेप क्या कहता है, अगर फैटी एसिड का लेवल कम हो रहा है, यहां पे देखिएगा इक्वेशन के फॉर्म में है, अगर फैटी एसिड का लेवल कम हो रहा है तो ट्राइग्लिसराइड का जो सिंथेसिस है ये भी कम हो रहा होगा। देखिए ये फैटी एसिड है, ये फैटी एसिड कम हो गया, यहां से कम तो यहां भी कम, तो इससे इसके बनने में ट्राइएसाइलग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड के बनने में भी इनहिबिशन हो रहा होगा, जो उसका रेट है वो थोड़ा सा कम हो रहा होगा। सो रिड्यूस फैटी एसिड इज इक्वल टू रिड्यूस ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस। अगला जो स्टेप है, रिड्यूस वीएलडीएल लेवल इन योर लिवर। अब आप देखिए ये यहां से जब उसके स्टार्टिंग मटेरियल कम होते जा रहे हैं तो अल्टीमेटली यहां पे जो लास्ट बन रहा है वह है हमारा VLDL। तो जब फैटी एसिड कम होगा तो हमारा ट्राइएसाइलग्लिसरॉल कम होगा और उसकी वजह से हमारा जो VLDL है, VLDL मतलब वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये भी कम हो जाएगा। तो यहां भी लिखा हुआ है रिड्यूस VLDL लेवल इन लिवर, यहां पे कम हुआ। अब क्या होगा, नियासिन इंक्रीज हाफ लाइफ ऑफ APOA1 जो हमारे HDL के खास करके स्टार्टिंग मटेरियल्स हैं, एंजाइम्स हैं, ये उनमें से एक है APOA1, तो ये इनको इंक्रीज करता है। दो तरीके हैं हमने देखे, या तो आपकी जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उनके बनने को, उनके सिंथेसिस को कम किया जाए LDL यानी कि, और अगर हमको चाहते हैं कि और अच्छा इफेक्ट मिले तो हमारे जो गुड कोलेस्ट्रॉल है HDL है इनके बनने के प्रोसेस को हमको स्टिमुलेट करना होगा। तो ये जो आखिरी स्टेप है, ये आठवां वाला, ये कह रहा है कि ये इंक्रीज करते हैं ऐसे पर्टिकुलर एंजाइम्स को, पार्टिसिपेंट को, सब्सट्रेट को जो कि हमारे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बनाने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फ्रेंड ये तो हो गई उनके काम करने के कुछ इंपॉर्टेंट तरीके जो आपने स्टेप बाय स्टेप में देखे। देखिए सब कुछ रिपीट हो रहा है, जहां पे आपके एडिपोज टिश्यू में हो रहा है काइंड ऑफ वैसे ही कुछ एक दो VLDL को ऐड करके आपके लिवर में हो रहे हैं। तो इनके लिवर के स्टार्टिंग मटेरियल के लिए जो प्रोसेस आया वो आपके एडिपोज टिश्यू से आया, तो अगर हम इनके ही किसी भी स्टेप को इनहिबिट करते हैं तो फर्दर जाके उनकी अवेलेबिलिटी भी कम हो जाएगी। इस तरह से वो हमारे जो बैड कोलेस्ट्रॉल है LDL है इनको कम करते हैं। अब इनका जो इफेक्ट है इस कैटेगरी के ड्रग की, कैसे इफेक्ट शो करते हैं, क्या रिस्पॉन्स है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से, या तो आपके जनरल उस ड्रग के प्रोफाइल के बारे में। तो अगर आप देखना चाहेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन से टाइप के लिपिड को ये कितना कम करते हैं। तो सबसे पहला है अबाउट 20-30% रिडक्शन इन ट्राइग्लिसराइड, जो हमारे नियासिन कैटेगरी के ड्रग हैं, ये लगभग 20-30% तक के रिडक्शन करते हैं ट्राइग्लिसराइड लेवल में। ये भी एक इंपॉर्टेंट काम हुआ, कहां कहां पे ये काम करते हैं, कितना इफेक्ट शो करते हैं वो इस बारे में आप देख रहे हैं। दूसरा अबाउट 20% रिडक्शन इन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, इनका लगभग 20% रिडक्शन करते हैं। तो ये दो जो बैड कोलेस्ट्रॉल थे हमारे, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और ट्राइग्लिसराइड, इनको 20-30% और 20% रिड्यूस करते हैं, और इस तरह से ये अपना एंटी हाइपरलिपिडेमिक एक्शन शो करते हैं।
तीसरा पॉइंट देखिएगा, यहां से आपको थोड़ा डिफर दिखेगा, ये 20-30% इंक्रीज करते हैं, इस पॉइंट पे फोकस करें, ये डिक्रीज नहीं, 20-30% ये इंक्रीज करते हैं किसको, HDL को, यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को, जो कि आपके लिए गुड कोलेस्ट्रॉल का काम करता है। गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों बोलते हैं HDL को, इसके बारे में भी हमने पहले के कुछ वीडियो में बात किया हुआ था, क्योंकि ये पेरिफेरल टिश्यू से जो एक्सेस में कोलेस्ट्रॉल है इनको लेकर के ये लीवर में जाता है, और लीवर में फिर इनका मेटाबॉलिज्म होते हैं, बाइल एसिड में कन्वर्ट होते हैं, फिर जाकर के इनका जो अवेलेबिलिटी है कोलेस्ट्रॉल का वो कम करते हैं, यानी कि हाइपरलिपिडेमिक कंडीशन को ठीक करने के लिए ये HDL इस तरह से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो फ्रेंड, आज के वीडियो में हमने बहुत शॉर्ट में देखा, आज का जो मैकेनिज्म है बहुत सिंपल और बहुत शॉर्ट में है, कि कैसे आपके एडिपोज टिश्यू में ट्राइग्लिसराइड्स लेकर के आपके फैटी एसिड बनते हैं, ये आपके एडिपोज टिश्यू में बने हुए फैटी एसिड के प्रोसेस को आपका नियासिन कम करता है, जिसकी वजह से बना हुआ फैटी एसिड आगे जाकर लीवर में प्रोसेस होने के लिए अवेलेबिलिटी भी कम होती जाती है, और उसी के सिक्वेंस में आगे जो भी कॉन्सिक्वेंस होंगे, स्टेप होंगे, वो भी अफेक्ट होते हैं, और एट द लास्ट लेवल ऑफ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एज वेल एज ट्राइग्लिसराइड आपका 20% और आपका 20-30% रिस्पेक्टिवली कम होते हैं। इनका काम करने का तरीका में एक मैंने और ऐड अप किया था कि ये हमारे HDL के लेवल को लगभग 20-30% इंक्रीज करते हैं। तो ये दोनों तरीके से काम किए, लो डेंसिटी को कम करके और HDL को इंक्रीज करके। सो फ्रेंड, आज का जो ये वीडियो था, हमने इस पे बात किया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ नियासिन और उसके अंदर का निकोटिनिक एसिड कैटेगरी की ड्रग, दोनों का एक ही वाइस वर्सा आप कई बुक में देखेंगे, कहीं आपको निकोटिनिक एसिड का एग्जांपल में नियासिन देंगे या आपको डायरेक्टली एज अ नियासिन क्लास के बारे में दिया हुआ होगा, तो दोनों एक ही हैं। तो चलिए आज के वीडियो के इंपॉर्टेंट पॉइंट को दोबारा कवर करें। जो आपका निकोटिनिक एसिड है, ये आपके वाटर सोल्यूबल्स विटामिन है, और इनके जो काम करने का तरीका है वो ये है कि ये ट्राइग्लिसराइड को आपके फैटी एसिड में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं। तो इसी के साथ आज का और आज ही के साथ हमारे जो एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग का चैप्टर था ये यहाँ पे खत्म होता है। इस तरह से हमने यूनिट 1 को आपके बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर को आज के वीडियो के साथ कंप्लीट किया। आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे इस यूनिट से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को MCQs के फॉर्म में, लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन के फॉर्म में, शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन के फॉर्म में, क्योंकि अब आप में से काफी जगह ये MCQs आने शुरू हो गए हैं, हमारे यहां तो पहले से ही MCQs स्टार्ट था, तब आपके लिए ये वीडियो देखना, यानी कि अगला जो पार्ट होगा वो देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि MCQs को सिलेक्ट कैसे किया जाता है, जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस पैराग्राफ में से MCQs आने की संभावना है और कैसे आप इसको एनालाइज कर सकते हैं, साथ ही साथ उनके रेस्पेक्टिव आंसर भी हम डिस्कस करेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन लेकर के आएंगे, और इसके PDF भी आपके लिए इजीली अवेलेबल रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में डाउनलोड करने के लिए, बिकॉज वी बिलीव इन शेयरिंग नॉट इन सेलिंग। तो हर एक चीज जो हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म में हो, सोशल मीडिया के फेसबुक पेज में हो, ग्रुप में हो, PDF हो, वीडियोस हो, इंस्टाग्राम के डेली MCQs हो, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो हम आपकी जानकारी के लिए दो चीज और ऐड करेंगे, एक तो हम अपने सॉल्यूशन फार्मेसी की जो फेसबुक पेज है इसमें हर एक सुबह 9 बजे एक MCQs ऐड करते हैं, और हमारे YouTube चैनल पे हर एक रात को कोशिश करते हैं, हर एक रात को हो सके 9 बजे एक वीडियोस लेकर के आते हैं, और इन सब के अलावा हमने एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है फार्मेसी डिक्शनरी बाय सॉल्यूशन फार्मेसी, वो YouTube में भी आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, या उसका डायरेक्ट लिंक हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें हम हर एक रात को 8 बजे कोई एक नया टर्म लेकर के आते हैं और उसके बारे में 1-2 मिनट में डिस्कस करते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, ताकि वहां की वोकैबुलरी आपके इस थ्योरी की कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करे। और बहुत जल्दी हम आपके लिए कुछ और भी इंटरेस्टिंग लेकर के आने वाले हैं इसी अगस्त के पहले महीने के 15 दिन में, तो आप हमसे कनेक्ट रहिए, आपके लिए काफी कुछ बेनिफिट होने वाला है और काफी कुछ हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। तो एट द लास्ट थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि हमने इसको दो बुक से कंबाइन करके लिया हुआ है और आपके लिए एक एज अ फ्लैश कार्ड काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।